हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज एक नया व्लॉग आ रहा हूँ, एक नई जर्नी के साथ, एक नए सफर के साथ। इस वीडियो में एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस ट्रेन में मैं जा रहा हूँ अभी, वो एक्चुअली उसका मैक्सिमम रन थोड़ा नाइट में हो जाता है, तो मैं जर्नी ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं सोचा अगर आपको दिखाना है तो ब्लॉग के स्टाइल में क्यों नहीं दिखाऊँ। आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ न्यू दिल्ली से कालका तक इन 12005 कालका शताब्दी एक्सप्रेस। मेरा कोच है C8, विंडो सीट भी नहीं मिली मुझे इस बार, तो इसलिए ब्लॉग ही ठीक रहेगा। ये ट्रेन एक्चुअली मैं चंडीगढ़ तक ही फुल जाती है, उसके बाद तो थोड़ी खाली हो जाती है कालकाता चंडीगढ़, लेकिन अभी पैक है फिलहाल। और इस शताब्दी में जो अनुभूति कोच है वो अवेलेबल नहीं है। ये गाड़ी है 12005 जो शाम को निकलती है न्यू दिल्ली से, एक और दूसरी चलती है 12001 मेरे ख्याल से, वो सुबह निकलती है। इस ट्रेन में जो AC चेयर कार है उसका जो फेयर है वो डायनेमिक में रहता है। मिनिमम फेयर जो रहता है वो 600, और जैसे जैसे सीट बढ़ती जाती है उसका फेयर बढ़ता है और मैक्सिमम जाता है 835 तक चले जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब करा रहे हैं। अगर सीट ज़्यादा रही तो आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। जो इसका एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसका प्राइस है 1260, वो फिक्स रहता है, उसमें डायनेमिक नहीं लगता। ये जो फेयर ब्रेकअप मैं बताया हूँ वो दिल्ली से लेकर कालका तक का है। ठीक 5:15 पर हमारी गाड़ी ने दिल्ली से न्यू दिल्ली स्टेशन को छोड़ दिया है, रवाना हो गई यहाँ से। और अगले 4:05 के बाद जिसका शेड्यूल टाइम है हम पहुँच जाएंगे कालका में, मतलब रात के 9:20 पर। मुंबई नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, उसके पीछे खड़ी है तेलंगाना एक्सप्रेस, निकलने को तैयार। गरीब रथ और कुछ अलग अलग किस्म के लोकोमोटिव्स। डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ एक छोटा सा पैरेलल जोन। दिल्ली सदर बाजार पश्चिम एक्सप्रेस। What's up?
ग्लूकोज सिक्योरिटी चेक बटली और हमारा इवनिंग स्नैक्स आ गया है, हिमालयन सॉल्ट पॉपकॉर्न, आलू भुजिया, वेज सैंडविच, स्पून, शुगर, टी बैग, टोमेटो केचप, ब्रेड स्टिक्स लग रहे हैं, ये सब है अभी मेन्यू में। ओवरटेकिंग सब ट्रेन है नरेला। सोनीपत जंक्शन हॉट वाटर सर्व्ड फॉर द टी दीवाना स्टेशन सोनीपत जंक्शन मुंबई फिरोजपुर नहीं अमृतसर एक्सप्रेस मुंबई अमृतसर एट पानीपत जंक्शन एंड ऑटो एंड वी ऑटो सम ट्रेन टू करनाल कुरुक्षेत्र जंक्शन हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस कालका दिल्ली सराय रोहिल्ला हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस और कालका भिवनी एकता एक्सप्रेस अभी हम लोग पहुंचे हैं हमारा पहला स्टॉप इस ट्रेन का
वो है कुरुक्षेत्र जंक्शन। यहाँ से जो एक लाइन जाती है वो जाती है नरवाना जंक्शन की ओर, जो कि है दिल्ली से भटिंडा की लाइन के बीच में नरवाना जंक्शन। तो यहाँ से सीधा नरवाना के लिए एक छोटी सी बाईपास लाइन जाती है। अभी थोड़ा 10 मिनट लेट है गाड़ी, देखते आगे कितना कवर कर पाते हैं। पंजाब एक्सप्रेस तो अभी हम लोग पहुंचे हैं अंबाला कैंट जंक्शन पर। बिफोर टाइम पहुंची है थोड़ी सी गाड़ी। यहां से चार लाइन जाती है, एक लाइन जिससे अभी हम लोग आए दिल्ली से, दूसरी आती है सहारनपुर होते हुए, सहारनपुर से एक लाइन आती है और इधर इस साइड अपन हम लोग जिस साइड जा रहे हैं उधर जाती है एक लाइन कालका की तरफ और एक लाइन जाती है अमृतसर की तरफ, अमृतसर जालंधर की तरफ, जालंधर से अमृतसर अलग रूट आता है। तो अभी हम लोग तो जा रहे हैं चंडीगढ़ कालका की ओर। राइट टाइम है गाड़ी, राइट टाइम पहुँचा ही देगी। अभी यहाँ पर ही बहुत खाली हो गई है, अभी दिखाता हूँ अंदर का। यहाँ पीछे की सीट बहुत खाली हो गए है, चंडीगढ़ में लगभग पूरी हो जाएगी खाली। अंबाला कैंट जंक्शन से प्रस्थान करती हुई 1205 नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस। अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है इस ट्रेन में और काफ़ी आरामदायक ट्रेन है जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है। और जो कालका शताब्दी है उसमें मेन अच्छी बात मुझे ये लगी कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ, मतलब हर कोच में आपको सब सिक्योर मिल जाता है, पूरी चेकिंग वगैरह अच्छे से होती है और क्लीनलीनेस अच्छा है। इवन उसके बाथरूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे क्लीन है और हल्ला गुल्ला कुछ नहीं छोड़ता, आराम से कोई भी जा सकता है इस ट्रेन। तो अगर किसी को ट्राई करनी तो ज़रूर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। और मेंटेनेंस मतलब काफ़ी अच्छा है,
बाकी दूसरी मैं कुछ गाड़ियों में देखा हूँ उतना LHB का मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन इस शताब्दी में काफ़ी अच्छी क्लीनलीनेस दिखी मेरे को। तो अभी तो अम्बाला से निकल गए हम लोग, चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं, और दूसरी लाइन ले लिए चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से हम लोग ने। चंडीगढ़ 8:40 को पहुँचेगी गाड़ी, और 9:20 पर हम होंगे कालका में, जहाँ पर ये गाड़ी का आखिरी स्टॉप रहता है। ठीक है, चंडीगढ़ बांद्रा डायरेक्ट। चंडीगढ़ जंक्शन चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस। अभी हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ जंक्शन। ये चंडीगढ़ जो कैपिटल है हरियाणा का और साथ ही साथ पंजाब का भी, ये भी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन अलग से जाती है। एक कालका जा रही है अभी सीधा लाइन, एक अभी हम लोग अम्बाला से आए वो, और एक जाती है लुधियाना जो शायद मोहाली होते हुए जाती है। हाँ, मोहाली होते हुए चंडीगढ़ मैं बोलूँगा, पहले जब आया था तो उसी टाइम मुझे समझ गया था कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन है। मतलब इतना प्यारा इसको रेनोवेट किए है ना, पूरा अच्छे से, क्लीनलीनेस एक नंबर, स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से एक नंबर बनाया है, और दिखने में भी मस्त लगता है। बाहर जाके भी अगर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कभी चंडीगढ़ आना हुआ तो एक बार स्टेशन का एरिया भी देख लेना, सिटी तो है ही देखने लायक पूरी। आगे चंडीगढ़ से कालका के बीच थोड़ा घाट सेक्शन है, तो घाट सेक्शन में ट्रेन को हेल्प करने के लिए पीछे बैंकर लगा हुआ है। बैंकर होता है जो एक लोकोमोटिव जो पीछे से धक्का देता है ट्रेन को, सिंपल शब्दों में जो लोगों को समझ में आए यही होता है। तो देखते हैं अभी बैंकर कौन सा लगा हुआ है। सामने तो मेन जो लोको है वो गाजियाबाद वेब 7 है। ये फर्स्ट एसी चेयर कार है, और वो लगा है पीछे बैंकर 22734। आज हमें हेल्प करने वाला है घाट चढ़ने में। चलिए आपको दिखाता हूँ जो एग्जीक्यूटिव क्लास है शताब्दी एक्सप्रेस का, उसके इंटीरियर्स। इसको भी रेनोवेट किया गया है पूरा। इसमें 2x2 की कुर्सियां लगी रहती है, और जो Thank you.
कोलकाता बाड़मेर एक्सप्रेस। आठ मिनट बिफोर टाइम मैच कालका 12005 न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कालका। आठ मिनट बिफोर पहुंची है गाड़ी और काफ़ी आरामदायक और मज़ेदार सफ़र रहा आज। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली बार। काहे कि अब हम जाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट तो पक्का करना, सब्सक्राइब अपने ऊपर है, अच्छा लगा तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते फिर अगली बार अगले व्लॉग में एक नई जर्नी नए सफ़र के साथ। टेक केयर, बाय। शताब्दी, वेट वेट वेट, इतनी जल्दी चले गए? अभी तो एक फाइनल चीज़ दिखानी बाकी रहेगी आपको। ये हूँ मैं कालका में, और कालका की खासियत क्या है? जो कालका से शिमला जाती है, माने कि यहाँ की टॉय ट्रेन्स। ये देखो, रात में आराम फरमा रहे टॉय ट्रेन्स के डब्बे। तो जल्दी आऊँगा, टेक केयर।